पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस बीच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी हर जोर आजमाइश को तैयार है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। वहीं अमित शाह इस महीने भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का प्लान लगभग तैयार है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर पहुंचेंगे। अब तक तैयार कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री शाह 19 दिसंबर को मिदनापुर में किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बोलपुर में शांति निकेतन भी जाएंगे। शांति निकेतन पहुंचकर शाह रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अमित शाह बोलपुर में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री ऐसे समय में बंगाल जा रहे हैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत उफान पर है। वहीं जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए भी डेपुटेशन पर दिल्ली बुला लिया था। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था और अब आगामी 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहां पर उनका 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान सबसे पहले वो मिदनापुर पहुंचेंगे और उसके बाद बोलपुर में शांति निकेतन भी अमित शाह जाएंगे।